तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रथम सावधि परीक्षा 2023-24 जो भी विद्यार्थी का 24 तारीख से एग्जाम होने वाला है, तो उन विद्यार्थी का जो है ये वायरल पेपर है और ये जो है वर्ग 10वां के लिए है, हिंदी मातृभाषा, और ये पूर्णांक 100 मार्क्स के रहेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 60 को दिया गया है और मैं आपको 60 में 60 बताऊँगा और आपको यहाँ से 85 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिल करना होगा। तो चलिए हम लोग सभी क्वेश्चन को बारी बारी से देखेंगे। ये 100% जो है आउट पेपर है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और बिल्कुल यही पेपर आप लोग को जाकर छाप देना है। देखिए, ये तो टेस्ट एग्जाम है, इससे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं रिवाइज के लिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है आपके 10th क्लास एग्जाम में आएगा, फाइनल एग्जाम में। तो चलिए हम लोग जल्दी से चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम में रहेगा। तो चलिए, यहाँ पर आप लोग सभी चीज़ देख सकते हैं। यहाँ पर समय दिया गया है 3 घंटा 15 मिनट का, और यहाँ पर परीक्षा के लिए निर्देशक कुछ दिया गया है, और परीक्षार्थी संभवतः अपने शब्दों में उत्तर दे देना है सब्जेक्टिव में, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को सभी यहाँ पर पढ़ लेना है। 1 से 60 लग प्रश्न दिया गया, जिसमें से 50 प्रश्न को ही आपको उत्तर देना है, उत्तर रंगना है वो मार्कशीट पर यहाँ पर दे दिया गया है। और काले या नीले पेन का यूज करना है, इसमें रेड या ग्रीन पेन का यूज नहीं करना है, ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। पहले से ही पूरा जानकारी आप लोग लेकर अपना दीजिएगा एग्जाम। चलिए, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। दिया गया है कि भीमराव अंबेडकर ने किस मानवीय अधिकार दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया, तो बताएंगे। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि अछूतों को, भीम देखे स्त्रियों को, मजदूरों को, या फिर इनमें सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अछूतों को, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए मारिएगा, और जो भी विद्यार्थी अभी जानते हैं पहले से क्वेश्चन का आंसर, तो आप लोग अवश्य ही कमेंट में आंसर उसका दे दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर देखिए 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जाति प्रथा है। तो जाति प्रथा क्या है, तो जाति प्रथा एम दे की दोष मुक्त, बीम दे एम दे की दोष मुक्त, और बीम दे की दोष युक्त, सिम दे की उपयुक्त, और डीम दे की इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो जाति प्रथा है वो एक दोष युक्त है। इसमें मैं आपको जब श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर पढ़ाया हुआ था, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको बताया गया है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है वो क्या है, उसका लेखक कौन है, सभी चीज़ पढ़ाया गया है। तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, पहले इस क्वेश्चन पर आप लोग को ध्यान देना है। चलिए, तो 2 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न देखिए, दिया गया कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है। तो देखिए, जो 20 के दांत कहानी है, तो यहाँ पर कौन से वर्गों के उजागर करती है, अंतर्विरोधों को उजागर करती है। तो ऑप्शन दिया गया है कि उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग, और इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा मध्य वर्ग, मध्य वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है, ऑप्शन नंबर जो है सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। जो सेन साहब जी थे वो खोखा को क्या बनाना चाहते थे, इंजीनियर दिया गया ऑप्शन में, डॉक्टर दिया गया, पायलट दिया गया, शिक्षक दिया गया है। तो सही जवाब हो जाएगा इंजीनियर बनाना चाहते थे, सेन साहब खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया है। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है, ऑप्शन दिया गुड़ाकर, मूल्य, अतिन्द्र मिश्र, अमरकांत, और मैक्स मुलर दिया गया है। तो कई बार आपको रटवा दिया गया है कि मैक्स मुलर हो जाएगा, वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है, किसको कहा है, तो मैक्स मुलर को, ठीक है, ऑप्शन 5 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्स मुलर के अनुसार संस्कृत की पहली विशेषता है। तो मैक्स मुलर के अनुसार संस्कृत की जो पहली विशेषता है वो क्या होगा, नवीनता होगा, लघुता होगा, प्रचिनता होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखो, इसका सही जवाब हो जाएगा प्रचिनता हो जाएगा, प्रचिनता, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर 6 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया। देखिए, ये जो वीडियो जो पेपर है, इसको PDF बनाकर हम आपको बता रहे हैं, तभी आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, PTO का क्वेश्चन है, तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में छपे रहेंगे। और एग्जाम के दिन आप लोग वीडियो को स्पीड बढ़ा दीजिएगा, ताकि जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर जल्दी जल्दी से लिख लीजिएगा। देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन दिया कि भारतीय संस्कृति दिन है। तो भारतीय संस्कृति दिन है, एम दिया कि एक जाति की, अनेक जातियों की, अंग्रेजी की, मुगलों की, तो अनेक जाति हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जवाब होगा यहाँ पर दिया गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर दिया गया कि नाखून किसका जीवंत प्रतीक है। तो जो नाखून है वो किसका जीवंत प्रतीक है, तो मैंने आपको बताया था कि नाखून जो है वो पशु वृत्ति का प्रतीक होता है, यानी ऑप्शन नंबर 8 का ये हो जाएगा सही जवाब। चलिए, 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। चलिए, यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुड़ाकर मूले ने आठवीं तक किस भाषा में पढ़ी थी, पढ़ाई की। तो देखिए, मैक्स मुलर ने आठवीं तक किस भाषा में पढ़ाई की, तो आठवीं तक आपसे पूछा जा रहा है कि किस भाषा में पढ़ाई की थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंग्रेजी भाषा में, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही जवाब, सॉरी मराठी भाषा होगा, या मराठी भाषा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है।
चलिए यहाँ पर देखिए 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है वो डी करेक्ट जवाब होगा, तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी मारिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन तरफ में हम लोग चलते हैं। चलिए यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी, तो गुप्त काल में कौन सी लिपि जो थी वो प्रचलित थी, तो वो थी ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, इसको आप लोग को याद रख लेना है 10 का राइट आंसर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया कि अमरकांत के व्यक्तित्व की तरह उनकी भाषा में है, तो में दिया कि गवाईपन, शहरीपन या फिर भड़क्कापन, और डी में दिया गया है कि अल्लाहाईपन। ठीक है, तो 11 का राइट आंसर क्या होगा बाबू, तो हो जाएगा भड़कपन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दिया गया सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था, तो बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि परंपरा का मूल्यांकन के लेखक हैं, तो परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन होगा, तो इसका सही जवाब आप लोग को याद किए होंगे कि रामविलास शर्मा जो है वो परंपरा का मूल्यांकन किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखिए दिया गया कि नकल करके लिखा हुआ साहित्य को हम लोग क्या कहते हैं, किस कोटि को होती है, तो होती है अधम कोटि। ठीक है, अधम मतलब नकल करके लिखी हुई साहित्य को अधम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सही जवाब, तो आप लोग 14 का सी मारिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखिए, काफ़ी ज़्यादा शानदार क्वेश्चन यहाँ पर सेट करके लिया गया है। देखिए क्वेश्चन जो है इसको PDF बनाकर हम लेकर आए हुए हैं, इसलिए आपको पेज इधर इधर हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन जो है वो सीरियल से यही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं, तो पंडित बिरजू महाराज जो है वो लखनऊ के किस पीढ़ी के कलाकार हैं, तो इसका याद रखिएगा जो पंडित बिरजू महाराज जी थे वो थे 7वीं पीढ़ी के। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया सही जवाब, लिए याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए दिया गया कि रश्मि वाजपेयी पंडित बिरजू महाराज की कौन थी, तो रश्मि वाजपेयी पंडित बिरजू महाराज की कौन थी, तो शिष्या थी। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो आप लोगों को इसको याद रखिए या फिर रख लीजिए। देखिए जो क्वेश्चन है PTO का पेपर है और यही पेपर आपके एग्जाम में रहेगा, तो आप लोग पूरा देख के चलिएगा। यहाँ पर देखिए FT 10th हिंदी। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए 2 नंबर पेज में आ चुके हैं। दिया गया कि अशोक वाजपेयी ने वृत्ति के रूप में अपनाया, मतलब जो अशोक वाजपेयी थे उन्होंने वृत्ति के रूप में अपनाया था, क्या चीज़ अपनाया हुआ था, तो वो अपनाए थे प्रशासनिक सेवा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया कि अविनियो फ्रांस का प्रमुख केंद्र रहा, यानी जो अविनियो है वो फ्रांस का एक प्रमुख केंद्र रहा, क्या चीज़ का केंद्र रहा था अविनियो, तो वो रहा था कला का, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि विनोद कुमार शुक्ल की पहली कविता संग्रह कब प्रकाशित हुई थी, तो देखिए 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन दिया कि मछली शीर्षक एक है डैश, तो मछली शीर्षक जो है एक प्रकार की कहानी है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि अतिन्द्र मिश्र बिमला देवी यानी कि फाउंडेशन का प्रचालन कब से कर रहे हैं, जो अतिन्द्र मिश्र बिमला देवी जो फाउंडेशन का जो प्रचालन है कब से कर रहे हैं। चलिए तो 21 का सही जवाब हो जाएगा 1919, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बिस्मिल्ला खां और शहनाई के साथ एक मुस्लिम पर्व जुड़ा हुआ है, कौन सा जुड़ा हुआ पर्व, तो हो जाएगा मुहर्रम पर्व जो है वो जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब होगा 22 का। 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया किसके जन्मदिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो हो जाएगा बाबू महात्मा गांधी, सिंपल सी क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 24 नंबर क्वेश्चन की महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य जो है ना वो चरित्र निर्माण होना चाहिए। ठीक है, चरित्र निर्माण होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होगा 24 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गुरु नानक किस भक्ति का प्रचालन कर रहे थे, तो गुरु नानक जो थे वो सुगुण भक्ति का प्रचालन कर रहे, सॉरी निर्गुण राम भक्ति का प्रचालन कर रहे थे। ठीक है, निर्गुण 25 का डी मरना आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, निर्गुण भक्ति का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, देखिए यहाँ पर PDF बनाने में जो है ना वो थोड़ा इथी हो गया। देखिए गुरु नानक के अनुसार शांति का मान है, मतलब शांति है। चलिए हम देखिए पूजा पाठ कर्म कांड या फिर राम नाम संकीर्तन या फिर वेशभूषा, तो देखिए गुरु नानक के अनुसार जो है राम नाम संकीर्तन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 26 का। 27 दिया गया है कि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे, तो देखिए जो रसखान थे वो किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पठान, ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रसखान ने चोर किसे कहा है, तो रसखान ने चित्तचोर यानी कि कृष्ण को कहा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया सही जवाब। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि घनानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं, तो घनानंद का प्रमुख ग्रंथ जो है सुजान सागर भी है, वराह लीला भी है, रसकेली बल्ली, और डी हो जाएगा सही जवाब। 29 का डी मारिएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया परजन्य का अर्थ है, तो परजन्य का अर्थ जो है वो बादल है। जब आप लोग पढ़िएगा घनानंद में, तो परजन्य यानी बादल से कहते हैं, हे बादल जाओ और बोल दो, ठीक है ना, वो बादल से अपना मन के बात बता रहे थे। ऑप्शन नंबर सी इसका मारना सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रेम घन ने किस समाज की स्थापना की, तो प्रेम घन ने किस समाज की स्थापना की। और जो विद्यार्थी अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी पेपर आएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और इसका PDF चाहिए या फिर कोई भी सब्जेक्ट का PDF चाहिए तो आप लोगों को सिंपली से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग को क्लिक करके जाकर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर जुड़िएगा तो वहाँ पर डेली क्यूज कराया जाता है 10th क्लास को, ठीक है, और डेली क्यूज कराया जाता है 10th क्लास को। चलिए बाबू देखिए, दिया गया 31 नंबर क्वेश्चन कि प्रेम घन ने किस समाज की स्थापना किया था, तो प्रेम घन जो थे वो रसिक समाज का स्थापना किए हुए थे। ऑप्शन नंबर ए होगा 31 का। 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि स्वदेशी शीर्षक दोहा के रचयिता हैं, तो स्वदेशी शीर्षक दोहा के रचयिता कौन है, तो 32 का राइट आंसर क्या होगा, तो जाएगा प्रेम घन होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 32 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था, तो सुमित्रा नंदन पंत का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1900 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा 1900 ईस्वी। बार बार पूछा जाता है कि सुमित्रा नंदन पंत जो है वो उनका जन्म कब कहाँ हुआ था, सॉरी कब हुआ था, तो 1900 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत ने क्या लिखा था, तो भारत माता, ठीक। चलिए यहाँ पर देखिए, भारत माता गर्भवासिनी किस कविता की पंक्ति है, तो भारत माता गर्भवासिनी जो है वो भारत माता कविता की पंक्ति है, सिंपली सी बात है। ऑप्शन नंबर 34 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि रामधारी सिंह दिनकर किस सदन के प्रतिनिधि रहे, तो रामधारी सिंह दिनकर जी थे वो किस सदन के प्रतिनिधि रहे थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाबू विधानसभा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 35 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दिया गया कि दिनकर किसके सिर पर मुकुट रखने की बात करते हैं, तो जो दिनकर जी थे वो जनता के सर पर मुकुट रखने की बात करते थे। चलिए ऑप्शन नंबर डी होगा 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 देखिए, दिया गया है कि अज्ञे ने किस वाद का सूत्रपात किया, तो अज्ञे जो थे वो किस वाद का मतलब सूत्रपात किए हुए थे, तो प्रयोगवाद का। 37 का ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 देखिएगा, हिरोशिमा कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, तो हिरोशिमा जो है वो सादा नीरा से लिया गया है, सदा नीरा से, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सही जवाब, ठीक है 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 39 नंबर क्वेश्चन की कुंवर नारायण कवि है, तो कुंवर नारायण जो कवि है वो नगर संवेदना के कवि है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा 39 का। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, हवा को किससे बचाना जरूरी है, तो हवा से धुआं को बचाना जरूरी है, यानी कि 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 41 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, वो यहीं पर है नीचे हुआ। चलिए अब हम लोग 3 नंबर पेज में आ चुके हैं, ठीक है, दिया गया है कि बीरन डगरवाल किस भाषा में पत्रकारिता करते हैं, तो बीरन डगरवाल जो थे वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में किए हुए थे। बीरन डगरवाल किस पत्रिका में, बहुत सारे भाषा में वो पत्रिका संपादन किए हुए थे, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी दोनों हो जाएगा, ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी अंग्रेजी मार देंगे तो गलत हो जाएगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों मारना है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ किस कविता में पंक्ति है, मतलब एक मक्खी का जो जीवन क्रम है पूरा हुआ तो हमारी नींद कविता में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा 42 का। 43 नंबर प्रश्न दिया कि कवित्री अनामिका का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था, तो कवित्री अनामिका का जो जन्म हुआ था वो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है, तो सच्चे भारत का जो दर्शन है ये भारत माता कविता से है, ठीक है, तो ये हो जाएगा भारत के ग्रामवासियों में। भारत माता कहाँ निवास करती है, जरा बताओगे आप लोग कमेंट करके, सभी विद्यार्थी बताना है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जीवनानंद दास 1952 ईस्वी में किस काव्य ग्रंथ के लिए पुरस्कार मिला, तो जो जीवनानंद दास थे उनको किस काव्य के लिए पुरस्कार मिला था, तो वन लता सेन पुरस्कार मिला हुआ था इसी से, ठीक है। चलिए तो 45 का डी होगा। और 46 का देखते हैं, दिया गया कि लौट कर आऊँगा फिर कविता के उत्पादक हैं, चलिए तो क्या होगा 46 का, 46 का सही जवाब याद रख लेना, हो जाएगा प्रयाग शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नरर मारिया रेल के कवि थे, तो रेनर मारिया रेल के जो थे वो एक अस्तित्व के कवि थे, ऑप्शन नंबर ए होगा 47 के। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि बिना भक्त के भगवान हैं, बिना भक्त के भगवान है, इसको बताना है अपूर्ण है या फिर एकांकी है, निरूपण है या फिर सभी है।
चलिए तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू अपूर्ण है, ठीक है, 48 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 49 नंबर क्वेश्चन कि मंगमा क्या बेचती थी, जो मंगमा थी वो क्या बेचती थी, तो मंगमा जो थी वो दही बेचती थी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे दिया गया है कि दहन विधान कहानी क्या लेखक हैं, चलिए सॉरी धरते विश्वास, यहाँ पर थोड़ा जो है ना क्वालिटी पीडीएफ जो है वो थोड़ा क्वालिटी कम है, ठीक है, धरते विश्वास कहानी के लेखक कौन है, तो 50 का राइट आंसर क्या होगा बाबू, तो हो जाएगा सात कोड़ी होता, ठीक है, याद रखिएगा 50 का सी होगा। और 51 देखते हैं, तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि लक्ष्मण की लक्ष्मी कौन थी, तो बताइए कि पत्नी थी, माँ थी, बहन थी या फिर मौसी थी, तो 51 का सही जवाब क्या होगा, तो 51 का याद रखिएगा हो जाएगा पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मंगू के अलावा उसकी माँ के कितने संतानें थी, मंगू के अलावा, तो 52 का सही जवाब आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा बाबू दो संतानें थी, ठीक है, चलिए सॉरी तीन संतानें थी, गलती हो गया, ठीक है, तो इसका सही जवाब तीन संतानें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सीता के तीन बेटे थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि बल्ली अमाल की पुत्री का नाम क्या था, तो याद रखिएगा पापाती, ठीक है, बल्ली अमाल की पुत्री का क्या नाम था, तो पापाती, ऑप्शन बी में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 55 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि पुष्पा किसकी पत्नी है, तो पुष्पा जो है वो किसकी पत्नी है, फिल्म वाला पुष्पा नहीं, यहाँ पर पुष्पा जो पूछा जा रहा है उसका बताइए, तो 55 का सही जवाब हो जाएगा बिरजू की, ठीक है, ऑप्शन सी में दिया गया है सही जवाब। चलिए तो 55 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पहिया कौन सा लिंग है, तो पहिया जो है वो कौन सा लिंग है बाबू, तो 56 का सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा पुलिंग। जो विद्यार्थी लाइक नहीं किए ना बाबू, तो लाइक अवश्य कर दो आप लोग, ठीक है ना, लाइक करिएगा तभी दूसरे विद्यार्थी के पास जाएगा वीडियो, ठीक है, वायरल होगा, तो आप लोग इतना शेयर करो कि वीडियो वायरल हो जाए, सभी विद्यार्थी को जो है अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दो ताकि उसका भी हेल्प हो जाए, जाकर एग्जाम में छाप दे पूरा पूरा, ठीक है। चलिए 56 हो गया है, 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सब्जेक्टिव लेकर आया जाएगा, ठीक है, एक ही वीडियो में दोनों चीज़ कराना उचित नहीं है, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन दिया गया निष्क्रिय में कौन सा उपसर्ग है, तो निष्क्रिय में कौन सा उपसर्ग है, तो वो है नि उपसर्ग, ऑप्शन सी में सही जवाब दिया गया है। अनुस्वर का उच्चारण स्थान है, तो अनुस्वर का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो हो जाएगा नासिक, ऑप्शन नंबर डी। 58 का सही जवाब हो जाएगा डी। और 59 का क्या होगा, रेत की दीवार का क्या अर्थ है, तो रेत का दीवार का क्या अर्थ है, एम दिया कि चमकीला दीवार, कलात्मक दीवार, क्षणभंगुर दीवार और टिकाऊ वस्तु, तो देखो 59 का सही जवाब हो जाएगा क्षणभंगुर दीवार, ठीक है, चलिए ऑप्शन सी होगा 59 का। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है दिया, सभी विद्यार्थी कमेंट करो आप लोग, ठीक है, कुछ ना कुछ कमेंट करो, जो पीडीएफ चाहिए आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करो, टेलीग्राम में ज्वाइन करो, ठीक है। दिया गया है कि भयभीत शब्द का विलोम रूप है, तो भयभीत का विलोम क्या होता है, तो होता है निर्भर, भयभीत मतलब भयातुर, भयंकर, भयाकांत, निर्भर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब 60 का, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पर हमने 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया, और 60 में आपको 50 ही बना ला, जो मन करे वो बना लो आप लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, पूरा पूरा आप लोग को बनाकर आना है, सभी विषय को करा दिया जाएगा, करा दिया गया तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर खंड ब में अब हम लोग आ चुके हैं, ठीक है, खंड ब में आ चुके हैं, खंड ब में वो गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए पूरा पूरा क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन से आपके एग्जाम में रहेगा प्रश्न, ठीक है, पूरा पूरा क्वेश्चन यहाँ पर करा दिया गया है आप लोगों को, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर ले लीजिए, और इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको आएगा सब्जेक्टिव प्रश्न, तो वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर यहाँ पर दे दिया गया है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और यहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, और मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा, या फिर डायरेक्ट जाकर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए और मेरा नंबर भी आप लोग सेव कर लीजिएगा, क्योंकि मैं व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत ही सारा नोटिफिकेशन आपके एग्ज़ाम के तहत मैं डालता रहता हूँ वहाँ पर, ठीक है, तो नंबर भी हमको और सेव कर लीजिएगा, ठीक है। आप देख रहे थे गुरु मीट स्टडी पॉइंट, भाई प्रकाश सर, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।